अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है मटन यखनी पुलाव। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 kg राइस। इसको मैंने जो है सोक करके रख दिया है, आपको उसमें पानी नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने रख दिया है। 2 घंटे के लिए हम इसको सोक करेंगे। उसके अलावा मैंने इसके अंदर लिया है 1 kg मटन, 2 medium साइज़ की अनियन है, इसको हमने ऐसे ही रफली कट कर लिया है, और इसमें मैंने लिया है 1/2 cup सौंफ, 1/2 cup कोरिएंडर सीड्स, 2.5 tablespoon सॉल्ट एंड 1 garlic bulb। अगर ये स्मॉल है तो आपने 2 लेने हैं, अगर लार्ज है तो आपने 1 ही लेना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने एक कोई भी कपड़ा ले लेना है, बिल्कुल जो पतला कपड़ा होता है, मलमला कपड़ा ले लेना तो बेस्ट है। उसके अंदर मैंने डाल दिया है इसके अंदर साबुत धनिया, और इसी के अंदर मैं डाल दूँगी सौंफ। अब इसकी हम बना लेंगे एक पोटली, इस तरह करके इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से। ये हमने अपनी मटन जब हमारा बनेगा यखनी उसकी रेडी होगी, उसके अंदर हमने ये ऐड करनी है। अच्छा, हम ले लेंगे एक पतीली जिसके अंदर जो है मैं डालूंगी इसमें सारी चीज़ें, ये जो मैंने ये ली 3 पोटली मैंने इसमें डाल दी है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी अनियन, मीट, सॉल्ट, और इसमें आपने अच्छा खासा पानी जो है इतना डालना है कि आपका मीट जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। वो सब चीज़ें आपने ऐड करके इसको कुक करने के लिए रख देना है। बस इसको ढक के कवर करके आप अच्छे से कुक करने के लिए रखते हैं। जब तक पुलाव की यखनी निकल रही है तब तक जो है हम और इन्ग्रीडियंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें मैंने लिए हैं अनियन, 2 अनियन लेके मैंने इसको रिंग्स फॉर्म में कट कर लिया है, आप कैसे भी कर सकते हैं स्लाइस या जो भी। उसके अलावा मैंने लिए इसके अंदर 1 cup योगर्ट, 2 tablespoon जिंजर पेस्ट, 2 tablespoon गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoon ज़ीरा क्यूमिन सीड्स, 2 से 3 बे लीव्स और 2-3 डार्क चीनी, सिनेमोन स्टिक जिसे बोलते हैं वो, और 1 मैंने लिया है स्टॉक जो होता है पुलाव स्टॉक क्यूब, चिकन का नहीं लेना आपने, पुलाव स्टॉक क्यूब लेना है। उसके अलावा मैंने इसमें ली है 1/2 tablespoon ब्लैक पेपर, जो फुल होल होती है पेपर कॉर्न्स जिसे कहते हैं, आपने वो लेना है 1/2 tablespoon। 8 से 10 आपने छोटी इलायची ले लेनी है और 10 से 12 आपने लौंगे ले लेनी है। उसके अलावा इसमें लिया है 2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, इनको कर लिया है सेंटर से 1/2, या आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है पुलाव में। उसके अलावा मैंने लिया है थोड़ा सा जर्दे का रंग और केवड़ा, केवड़ा ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो स्किप कर दें। जब तक हमारी यखनी रेडी हो रही है तब तक मैंने सोचा तब तक हम अपनी प्याज को कर लेते हैं फ्राई, टाइम थोड़ा सेफ रहेगा। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना पुलाव का टेस्ट अच्छा नहीं आता, आपने जस्ट गोल्डन करना है इसको। जब अनियन फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें से थोड़ी सी अनियन जो है निकाल लूँगी, वो मैं इसलिए कि जब पुलाव हम सर्व करेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा गार्निश में अच्छी लगती है अनियन, बाकी इसी में ही छोड़ देंगे। ये अनियन हो चुकी है फ्राई और इसमें से मैंने थोड़ी सी अनियन निकाल के अलग कर ली है, ये रही, बस थोड़ी सी आपने ऊपर से डालने के लिए अलग करनी है। इसके बाद आप इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको भी अच्छे से हम कर लेंगे फ्राई। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, बस अब मैंने इसका चूल्हा कर दिया है बंद ताकि जो है ये अंदर इसमें फ्राई हो जाए, जब तक मैं अपनी यखनी चेक कर लेती हूँ। अगर मटन हमारा हो गया है रेडी तो फिर मैं उसको सब चीज़ों को स्ट्रेन करके फिर मैं इसमें अपनी यखनी जो है हमारी सिर्फ मटन अभी फ़िलहाल वो इसमें ऐड करूँगी, फिर बाकी के फर्दर इन्ग्रीडियंट्स डालूँगी। मुझे देख के लग तो रहा है कि हमारा जो मीट है वो टेंडर हो चुका है जी। बस अब मैं इसको सारा स्ट्रेन करूँगी, इसका सारा जो मीट है ये देखें बहुत गर्म है, मगर बिल्कुल सॉफ्ट है मीट। बस मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसको स्ट्रेन कर रही हूँ, और आपने इसको सब चीज़ों को ना अच्छे से दबा दबा के इसका यखनी निकालनी होगी, ये गार्लिक जो है ये भी, और ये जो हमारी पोटली दली हुई है ये भी, सब चीज़ें आपने अच्छे से दबा दबा के इसकी अपनी यखनी निकालनी है।
नाउ यू कैन सी दैट मैंने इसकी जो है मटन जो है मैंने अलग कर दिया है और जो फालतू सारी चीज़ें थी वो मैंने इसमें से स्ट्रेन कर दी हैं अच्छे से दबा दबा के। उसके अलावा ये इसकी ब्रोथ है जो मैंने अलग कर दिया है इसको भी। अब हम मटन को डालेंगे वही जो हमने अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई किया था उसमें। मटन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ही, ये हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और इसी में ही साथ में मैं सारे गरम मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, लौंगे, छोटी इलायची, काली मिर्चें, बे लीव्स और जो है दालचीनी। पुलाव क्यूब, इसका कलर थोड़ा डार्क होता है, चिकन क्यूब की तरह नहीं होता है, लाइट लाइट सा। ये भी आप इसमें ही ऐड कर दें, तोड़ के ऐड कर दें, साबुत कर दें। मैं थोड़े से पीसेस में कर लेती हूँ उसको, 3-4 पीसेस के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। पुलाव क्यूब ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस इसका टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है अलग से अगर ऐड कर दो तो। आपके पास नहीं है आप स्किप कर दें। साथ में ही ऐड करूँगी मैं ब्लैक पेपर। जब इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी फिर इसमें ऐड करेंगे हम योगर्ट। 1-2 मिनट के लिए जस्ट आपने इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मीट हमारा ऑलरेडी टेंडर है। सिर्फ मसाले डाल के इसमें भून लेना ताकि अच्छे से मसाले जो हैं इस पूरे मीट पे अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाएं, अच्छा सा टेस्ट दें। 1 मिनट हो चुका है, 1-2 मिनट, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ योगर्ट। अच्छा, योगर्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 1 कप लिया, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर 1.5 कप भी डाल सकते हैं। सॉल्ट मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है इसके अंदर, क्योंकि हमारी यखनी में ऑलरेडी ऐड था। और उसके अलावा हमने एक इसके अंदर क्यूब भी डाला है तो उसमें भी सॉल्ट होता ही है। फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसको भी डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, 1-2 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी वाटर कह रही हूँ, इसकी जो यखनी निकली हुई रखी हुई है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यखनी। और साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज और राइस, ग्रीन चिलीज ताकि इसके अंदर मिर्चों का भी थोड़ा टेस्ट आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका। अच्छा, अब मैं ऐड कर रही हूँ राइस इसमें जो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे। कोई आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालना है, एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना। हाँ, अगर आपको लगता है कि कसर है आपके इसमें तो ही आप इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, मगर अभी नहीं, अगर लगे बाद में। और इसी यखनी के अंदर हमने इसे अच्छे से जो है कुक कर लेना है राइस को। इसे मैं कर लूँगी थोड़ा सा मिक्स। बस अब इसको हम तेज़ चूल्हे पे कर लेंगे कुक। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग कि इसके अंदर से पानी हो गया है बिल्कुल ड्राई। अब मैं इसको जो है दम पे रखूँगी हल्के चूल्हे पे। इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल हमने ऐड कर लेना है केवड़ा और थोड़ा सा फूड कलर। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है टेस्ट केवड़े का तो कीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। और फूड कलर का भी, अगर आपने अच्छा सा एक कलर चाहिए इसके अंदर पुलाव में तो आप ऐड करें, वरना स्किप कर दें। अच्छा, केवड़ा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जस्ट 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपने, सिर्फ 1 टीस्पून केवड़ा डालना है आपने खुशबू के लिए। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर फूड कलर, बस ऐसे ही डाल लेना है आपने फूड कलर अंदाजे से। और आपने अब इसको कवर करके रख देना है हल्के चूल्हे पे दम पे। ये मैंने दम पे रखा था, पुलाव हो गया है रेडी। इसको हम करेंगे बस हल्का सा मिक्स और फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। ये है पुलाव का फाइनल लुक जिसे मैंने डिश आउट कर लिया है और मैंने इस पे जो अनियन फ्राई की थी वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। ये आपके सामने कंप्लीट डिश रेडी हो गई है, इसको आप इंजॉय करें और इसके साथ आप सैलेड, रायता, शामी को आप चाहें तो वो भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।